ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिड़ीतम कल्म शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये बुरिदा जना। भक्त वंशा कल्पतरु कहा जाता है भगवान को। गिरीश चंद्र घोष श्री रामकृष्ण को साक्षात भगवान के अवतार रूप से न केवल मान लिया, मुक्त कंठ में घोषणा करते थे एवं ठाकुर उनके विश्वास की भी तारीफ करते थे। वो मुक्ति नहीं चाहते, मुक्ति को घृणा करते थे। भक्ति उनके अवलंबन है, भक्तगण के इसी मन की अवस्था है, कभी मुक्ति नहीं चाहते, ईश्वर को सेवा करना चाहते एवं मनुष्य रूप में ही ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ प्रकाश होता है, इसलिए वो चाहते कि ईश्वर नर शरीर धारण करे एवं भक्त उनको सेवा कर सके। गिरीश कुछ और एक बात बोल रहे हैं कि ठाकुर को तो पहचान लिया लेकिन वह सेवा नहीं कर सका। उन्होंने भी प्रार्थना किया कि कम से कम एक साल मैं आपको सेवा करना चाहता हूँ। अभी तो ईश्वर ज्ञान हो गया, एक साल आप बढ़ दीजिए प्रार्थना। कल मैंने बताया था जी ठाकुर का वो गाना, भक्ति कारण नंदिर भवन है, नंदिर बुझा मत है बुझी, भक्ति के कारण वृंदावन में नंदी घोष के भवन में उनके साथ विचरण किए थे। फिर उन्होंने चाहा एक साधु में सेवा करेंगे। ठाकुर वहाँ पर बोला था नंदेड़ भवन है, नंदेड़ मुझा माधु, यहाँ पर गिरीश को क्या हो रहा, गिरीश भवन है, गिरीश का पुत्र रूप हो। गिरीश जब बोला जी एक साल सेवा करेंगे तब ठाकुर ने माना कर दिया, बोले यहाँ पर लेकिन कर लोग भालो न, इन लोग का आदमी नहीं है, के की चीज बोल भी, ये साक्षात भगवान ज्ञान कर पूजा करने लगे तब उनका विरूप मंतव्य आएगा, मुश्किल होगा। गिरीश माना नहीं। तब ठाकुर ने एक बात बोला, ठीक है जब तुम्हारे भवन में जाएंगे तब सेवा करना। गिरीश कुछ समझने नहीं सका उस समय, लेकिन वैसे ही हुआ था। ठाकुर के देहांत के बाद गिरीश घोष का वो प्रार्थना पूर्ण हो गए। गिरीश घोष ने चाहा कि आप पुत्र रूप में हमारे घर में पदार्पण करें, मैं आपको सेवा कर सकूं। आश्चर्य की बात है, ठाकुर के देहांत के उपरांत दो साल बाद 1888 ईस्वी में
गिरीश का द्वितीय पक्ष का जो पत्नी है उनसे उनका एक पुत्र लाभ हुआ। गिरीश का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण जीवन है, बहुत ही विच्छेद का आघात उनको सहनना पड़ा। प्रथमा पत्नी का मृत्यु हो गए, संतानगण भी एक एक करके चले गए। फिर द्वितीय बार दार परिग्रह किया, शादी किया। कहा जाता है जी द्वितीय बार जब शादी किया उसके साथ उनका भाग्य का परिवर्तन हुआ, उसके बाद ही उनका ठाकुर का गुरु लाभ हुआ और जीवन में अनेक प्रकार का समृद्धि लाभ हुआ। फिर ठाकुर के देहांत के 2 साल बाद उनके एक पुत्र संतान हुआ, लेकिन पुत्र संतान के समय प्रसूति का देहांत हो गया, यहाँ तक द्वितीय पत्नी भी चले गए। उनका 2 बेटी थी, एक कान्ना, 2 बेटी पहले ही चले गए। गिरीश का पत्नी भी चले गए, लेकिन वो पुत्र को प्राप्त होकर वो समझा कि यही ठाकुर आया है, उसको उसी ढंग से वो सेवा करते थे। उसके लिए अलग बर्तन था, अलग सेवा का इंतजाम था, बड़ा प्रेम सहकार उनको सेवा करते थे अपना पुत्र को भगवान समझकर। और वो भी कुछ बातचीत नहीं करता, तो इतना प्यारा था, जो भी गिरीश के भवन में आते थे सभी उसको देख के प्यार से उनको गोद में लगाते थे, आदर करते थे। तो जब सीमा शारदा देवी गिरीश के भवन में आते थे वो माँ के गोद में बैठ जाते थे। तो एक दिन दो साल बाद, तब 3 साल का उनको उम्र हुआ, ठाकुर जब शोलिंद्र वो श्री माँ जब शोलिंद्र मोहन ठाकुर के बारानगर के भवन में विराजमान थे, ठाकुर का देहांत हो गया। बारानगर में शोलिंद्र मोहन ठाकुर के भवन में श्री माँ उस समय निवास कर रहे थे, तो श्री रामकृष्ण की कोई पार्षद ने गिरीश को बोला चलिए माँ को दर्शन करके आते हैं। तो बेटा को लेके गया तो बेटा ने वो बच्चा कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन ऊपर में जाने के लिए बहुत रो रहे हैं। तो पहले कोई कुछ समझ में नहीं पाया क्या किस कारण से क्या हो रहा है। तब उनका आग्रह देखकर जब ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है तब किसी ने उनको लेके ऊपर में श्री माँ का पास पहुँचा दिया। श्री माँ के तो प्रणाम करके वो बच्चा बहुत खुश हो गए, माँ भी आदर किया, फिर वो नीचे वापस आया। श्री माँ ऊपर में थे, इन लोग सब नीचे थे। तो अभी क्योंकि उस जमाना में अभी तक ठाकुर के यद्यपि कोई भक्त श्री माँ के बारे में जानते थे, भक्ति श्रद्धा निवेदन करते थे जैसे मास्टर मुताया आदि, लेकिन भक्तगण के लिए श्री माँ असूर्य स्पर्श थे, कभी किसी को दर्शन का अधिकार नहीं मिला। श्री माँ शारदा देवी ऊपर में रहते थे, दो मंजिला में भक्त का नीचे से प्रणाम करके चले जाते थे, ऊपर जाने के लिए भी अनुमति नहीं था। देखिए क्या विचित्र संवाद, श्री माँ के साथ कोई पुरुष भक्त का कोई संक्षेप नहीं हो पाया। ये बच्चा लेकिन बेटा वो माँ को दर्शन करने के लिए बच्चा है उसे ले गया। फिर वो नीचे आके गिरीश को उसको वो खींच रहे हैं ऊपर में जाने के लिए, कुछ तो बोलते नहीं,
बातचीत नहीं करते थे, हाँ बाप में सब जानते थे हंगा भंगी करके। तो ऊपर में अंगुली दिखा के ऊ कर रहे हैं, तब समझ में पाया है लोग जे गिरीश को ऊपर में ले जाने चाहते। ये तो रीति नहीं है, कोई भक्त तो ऊपर में नहीं जाते, और गिरीश को जैसे व्यक्ति असंभव है। तो फिर गिरीश को उसने बताया उनको कि मैं जो महापापी हूँ, मैं उनके पास नहीं जा सकती हूँ। इसके पहले की भी एक घटना है, जब एक दिन वो अपने छत में उठे हैं। अब जानते हैं कि बरला इस माँ के उद्बोधन के माँ के भवन और गिरीश भवन ज़्यादा दूर नहीं है, स्टोन्स थ्रो। तो जब वो ऊपर उस जमाने में ज़्यादा मकान भी नहीं थे उस इलाका में, जब वो मकान में ऊपर में उठा, उनका पत्नी कह रहा है देखो देखो माँ वहाँ पर विचरण कर रहे हैं अपनी छत में। सुनते ही वो नीचे आ गया, नहीं मैं पाप नेत्र से उनको अभी लुकिए देख बना, मेरा नेत्र पाप है, पापी है, मैं दर्शन नहीं करूँगा पीछे से करके नीचे आ गया, कि माँ पवित्र सर्वपनी है, आई कैनॉट डू दैट। इतना उनका श्रद्धा था माँ के प्रति, कभी दर्शन करने से ज़्यादा दूरस्त, लेकिन ये बच्चे और को नहीं छोड़ा। तो वो ऊँ कर रहे, तो फिर उसको लेके जाना पड़ा, और जाते ही वो साष्टांग प्रणाम किया और माँ को बोला माँ इस बच्चे से ही मुझे आपको दर्शन का अवसर मिला। तो माँ भी उसको प्यार किया। तो उसके बाद से भक्तगण को दार उन्मोचित हुआ, उस समय से ही भक्तगण माँ को दर्शन करने का आदत शुरू हुआ। तो ये जो बच्चा है ये संयोग सेतु है, तो माँ के साथ भक्तगण को मिलाने का। अटगिरिश को प्रार्थना किया, आप मैं सेवा करना चाहता हूँ, एक साल नहीं 3 साल उनको सेवा करने का अवसर मिला, और वो सेवा करते हुए अपने को एकदम भगवान के प्रतीक समझकर प्यार से सेवा किया। वो सेवा करने के उपरांत उनका मन प्राण भरपूर हो गया। लेकिन ये जो कहा जाता है ईश्वर पांचा कल्पतरु भक्ताधीन, भक्तों का प्रार्थना वो आकुल होने से जो वो उनको सुनना ही पड़ता है, ये अपूर्व जो उनके संलाप है, जो पुत्र संतान को अपने घर में ठाकुर ज्ञान में पूजा किया, प्रार्थना किया, उनको पता चला जो ठाकुर आए हैं, उनका हब्बा भी वैसी था, कंप्लीट डिफरेंट, और इतना प्यारा था, सब उनको जो भी जाते हैं गोद में बैठा के। तो गिरीश घोष के प्रार्थना ठाकुर पूर्ण करके उनके जीवन धन्य कर दिया, एवं इस बच्चा के माध्यम से ही माँ का आवरण उन्मोचन हुआ। ठाकुर ही स्वयं लगता है आकर उनके ध्यान के 3 साल बाद माँ को जनसमक्ष में प्रकाश कर दिया। यह अपूर्व कथा फिर हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, मधुवार, संध्यारति के उपरांत काली कीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।